हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE. एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश. स्वागत है आपका ECLE के. और आज हम पढ़ेंगे वन टू के सेंटेंस बनाने सीखेंगे. सॉरी, वांटेड टू के हम आपको सेंटेंस बनाने सिखाएंगे. जैसा कि आपने वन टू बी और वन टू हैव के सेंटेंस बनाए, उसकी अच्छी आपने प्रैक्टिस की. ओके, इसके साथ ही मैं आपको वांटेड आएगा. क्या क्या पढ़ाएंगे हम आज? हम वांटेड पढ़ेंगे. वांटेड वो वाला वांटेड नहीं जो हम मूवी में देखते हैं, सलमान खान की मूवी वांटेड मूवी. ओके, ये क्या है? वांटेड टू की आज हम क्लास करेंगे. उससे पहले मैंने कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ECLE की शुरुआत की थी, तो मैं आपको 5 वर्ड वोकैबुलरी के लाया करता था. कुछ दिन में लाया था, लगभग 10 दिन, शायद 10 या 15 वीडियो आपने देखा होगा अगर आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं. तो मैंने सोचा कि अब वोकैबुलरी भी लाऊं, क्योंकि बीच में क्या हो गया था आपको पता है, जैसे कि मैं इररेगुलर वर्ब्स भी लाए, 100 इररेगुलर वर्ब्स कराई. ओके, साथ ही साथ मैंने WH वर्ड भी कराए. तो मैंने बहुत सी चीज़ें बीच में करा दी, जिसकी वजह से इसके लिए टाइम ही नहीं बचता था. इसलिए मैंने सोचा कि अलग से एक हम क्या लाएंगे, अलग से मतलब जब हम स्टार्टिंग ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम वोकैबुलरी बीच बीच में लाया करेंगे. ओके, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट हम 10 या 15 दिन कम से कम 5 सेंटेंस या सॉरी 5 वोकैबुलरी 5 मीनिंग जो हम बोलते हैं ले सकते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, आप सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि आपने आप बहुत सारा पढ़ लिया था, अब दिक्कत नहीं है सेंटेंस बनाए. उस टाइम पे तो दिक्कत रहती थी, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता था कि वोकैबुलरी कौन सी सिलेक्ट करूँ, क्योंकि सेंटेंस बनाना आपने उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आपने पढ़ लिया है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, सो आज की 5 मीनिंग है, 5 मीनिंग आपको इसके सेंटेंस बनाने हैं. ओके, ये जो मीनिंग्स हैं मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आपके लिए तो न्यू है, साथ ही साथ मेरे लिए भी न्यू है. कुछ कुछ मीनिंग मुझे भी इनमें से नहीं पता, मुझे भी नहीं लगी, तो मैंने सोचा कि आप भी सीखो और हम भी सीखें, दोनों हम मिलकर सीखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, शानदार जबरदस्त क्लास को. तो फर्स्ट मीनिंग है जो क्या है, एजोटिक है. एजोटिक, EXOTIC. ओके, एजोटिक, एजोटिक मीन्स होता है विदेशी. क्या होता है? विदेशी होता है, विदेशी, या हम क्या बोलते हैं, फॉरेनर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं, विदेशी. ओके, तो हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि वह विदेशी था, ही वॉज एजोटिक, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं. ओके, दूसरा जो मीनिंग है आज की क्या है, फ्लैबी, फ्लॉबी या फ्लैबी बोलते हैं, फ्लैबी, FLABY, फ्लैबी. फ्लैबी क्या होता है? पिलपिला, जैसे ऑरेंज रहता है, ऑरेंज या अदर फ्रूट्स रहते हैं या कुछ भी, तो पिलपिल रखते हैं, पिलपिला सा, गुदगुदा सा, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, फ्लैबी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? फ्लैबी है. तो हम आसानी से बना सकते हैं कि संतरा फ्लैबी होता है, बना सकते हैं ऑरेंज इज फ्लैबी, फ्लैबी ऑरेंज इज फ्लैबी. ओके, नेक्स्ट मीनिंग है फ्लैटर, FLATER, FLATER. फ्लैटर मीन्स होता है चापलूसी करना, किसी की चापलूसी करना. ओके, तो इसका भी हम सेंटेंस बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्या उसने चापलूसी की, डिड ही फ्लैटर. बहुत आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू है, बहुत की ज़्यादा आपके लिए यूजफुल भी, हम ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन मीनिंग्स का यूज़ कर सकते हैं. ओके, एक ये बड़ी सी मीनिंग आपको दिख रही है, 5 मीनिंग क्या है, फ्लेवर गास्टेड. फ्लेवर स्पेलिंग में बता दूं, FLABER, फ्लेवर, फ्लेवर. ओके, गास्टेड, GASTED. फ्लेवर गास्टेड मीन्स होता है हक्का बक्का रह जाना, कैसा, हक्का बक्का रह जाना. अगर कोई जैसे कोई चीज उसको देखो हम शौक रह जाए, या फिर वो हो सकते हैं ना, कभी कभी होता है कि हम उसको देख कर हक्का बक्का रह जाते हैं, और ये क्या है, तो ये हम इसका भी सेंटेंस बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत आसानी से बना सकते हैं. इसका सेंटेंस सोचना, मुझे इंस्टेंटली दिमाग में सेंटेंस का नहीं आ रहा. ओके, नेक्स्ट मीनिंग है हबोर, अभोर, अभोर, ABOR, अभोर. अभोर मीन्स क्या होता है, घृणा करना. क्या होता है अभोर मीन्स, क्या होता है, घृणा करना किसी से. ओके, इसका भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, क्या तुम उससे घृणा करना चाहती है, डू यू वॉन्ट टू अभोर, बिल्कुल आसानी से हम बना सकते हैं. तो आज की 5 मीनिंग थी, आपको भी घर पर सेंटेंस बनाना है. ओके, इसके जो हम मीनिंग्स पढ़ते हैं, जो हम बताते हैं सेंटेंस आपको बनाना है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं जितना भी पॉसिबल होगा मैं डेली आपके 5 वर्ड, आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा और मेरे लिए भी ये यूज़फुल रहेगी 5 वर्ड. ओके, अपनी वोकैबुलरी को भी हम साथ साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, बस आपको ECLE पर आप बने रहना. ओके, तो इसको हम मिटाते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी पर तो लिखना ही है. ओके, सो आपका आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा. ओके,
तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वॉन्टेड टू। ओके वो वाला वॉन्टेड नहीं समझना, जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था ना वॉन्टेड वॉन्टेड, तो आपने मूवी देखी होगी, मैंने भी देखी थी वॉन्टेड, देखी थी ना वॉन्टेड सलमान खान की 2009 शायद, हाँ 2009 में आई साउथ की मूवी थी, तो ये वॉन्टेड वॉन्टेड मूवी थी वॉन्टेड। ओके तो हमें तो इसी से याद था ये वॉन्टेड, फिर हमने पढ़ा वॉन्टेड, ये तो वॉन्टेड वॉन्टेड मीन्स तो बहुत है, क्या क्या कहलाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स रहते हैं उनको हम वॉन्टेड वगैरह बोलते हैं, लेकिन देखिए ये अच्छा है यार। फिर मैंने पता चला वॉन्टेड टू, मैंने वॉन्टेड टू जो मैंने पढ़ा था वॉन्टेड टू में तो चाहता है चाहती है चाहता है समझ, थोड़ा सा शौक लगा था, थोड़ा अच्छा सा लगा था। तो ये आपने सुना हुआ है वॉन्टेड वॉन्टेड टू। ओके तो वॉन्टेड टू में जो पहचान वो आसान है, जैसे पास्ट की थी ना कि चाहता है चाहते हैं चाहते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं रेड से लिखेगा, ओके रेड से लिखते हैं। ओके तो हम इसमें आसानी से लिखते हैं, लिख सकते हैं क्या, चाहता था चाहते थे या चाहती थी। ओके चाहती थी, ओके जो हम मतलब जो हम चाहते थे मतलब जो अब नहीं चाहते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहता था या फिर मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता था, तो हम बोल सकते हैं आई वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश। तो जो पहली जो एक्टिविटी जो हम पहले चाहते थे कि यार ऐसा होना चाहिए ऐसा मुझे करना चाहिए उसे करना चाहिए था, तो हम बिल्कुल हम आसानी से हम बना सकते हैं। ओके और एक और पहचान इसकी क्या है, एक पहचान है क्या इसकी पहचान है, एक अच्छी वाली पहचान क्या है, ये चाहा। ओके एक मिनट का टाइम देना, पेन गिर गया मैं पेन उठा लूँ। ओके पेन उठाने में भी दिक्कत रहती है ऑनलाइन क्लास के क्या। ओके तो इसका एक मीनिंग क्या हो सकती है, चाह हो सकता है, क्या हो सकता है, चाहा, क्या चाहा। ये मुझे थोड़ा नई चीज़ दिखी, ओके स्टार बना के लगता हूँ उसको, तो मुझे क्या मैं इंटरनेट पर देख रहा था बहुत सारी, तो मैंने ये वॉन्टेड मीन्स चाहा भी होता है, तो मुझे ये नई बात पता चल गई। ओके तो नई चीज़ है उसको अपग्रेड रहना चाहिए, ये मत समझो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या हम लोग पढ़ रहे हैं वो इसका लास्ट है, इसको और अपग्रेड होगा, अपग्रेड होता है। ओके जो मतलब हम बोल सकते हैं अंतिम सत्य नहीं है, अंतिम ट्रुथ नहीं है, इसमें भी अपग्रेड होता रहता है, तो मुझे नहीं पता चला कि चाहा भी इसका मतलब होता है चाहा, जैसे मैंने पढ़ना चाहा, तुमने बोलना चाहा, उसने उड़ना चाहा, तो हम ऐसा भी हम बना सकते हैं, उसने चाहा पास्ट का ही सेंस हो सकता है, पास्ट का सेंस है। ओके तो यह बहुत अच्छी सेंटेंस है और आपको भी मजा आएगा सेंटेंस बनाने में आपको लिए, ओके वॉन्टेड टू वाले, क्योंकि वॉन्टेड टू एक तो नाम ही इतना भयंकर है वॉन्टेड टू, आपसे मूवी आई वॉन्टेड, तो आपको भी बहुत सुनकर ही मज़ा आता है वॉन्टेड टू। ओके तो हम सेंटेंस को हम कुछ सेंटेंस आप लेते हैं, जैसे उसने दौड़ना चाहा। ओके उसने दौड़ना चाहा, एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आप गूगल पर ट्रांसलेट करोगे, अगर आप गूगल पर ट्रांसलेट करोगे उसने दौड़ना चाहा, तो हो सकता है चाहने चाहता था आए, लेकिन अगर आप हिंदी में लिखोगे तो वह उसने दौड़ना चाहा तो वॉन्टेड टूट से आता है, तो वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है जो उसको ईजी लगता है, मैं सोचा चल ये भी कर लो, उसने दौड़ना चाहा। ओके हमने पढ़ना चाहा, चाहे दो चाहा के ले लो, बाकी अपन लेते हैं हम दौड़ना चाहते थे। ओके हम दौड़ना चाहते थे, क्या करते थे, चाहते थे। ओके वह लिखना चाहती थी। और पांचवा कोई भी ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो, चलिए है लिख दिया मैंने सॉरी, तो अपन कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे हम बहुत हो गए यार, अपन तुम करो। ओके नेता वादा करना चाहते थे, ये थोड़ा अच्छा सा लगता है, चाहते थे, हो सका तो नहीं कर पाए नेता लोग वादे आदि करते रहते हैं। ओके वादों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ओके तो आप देखो कि इसमें पहचान के चाहा का सेंस है, क्या है, चाहा है, क्या है, चाहा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्ट्रक्चर पर बन जाते हैं, स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ओके आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना क्योंकि आपको सीखना है, आप ये मत समझना कि इस एक से सेम स्ट्रक्चर छः वाले, लेकिन अगर आप इसको भूलोगे नहीं, अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कभी भूल नहीं पाओगे, मेरे हिसाब से कभी क्लास भूल नहीं पाओगे। ओके तो चाहा को थोड़े से इसको हम यहाँ कर देते हैं, चाह में आकी हाँ में आकी चाहा। ओके तो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉन्टेड, क्या बोलते हैं वॉन्टेड प्लस टू प्लस वो को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड,
तो ध्यान से देख लेना सर, वॉन्टेड टू, ओके, वॉन्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ओके, इसके भी है वॉन्टेड टू बी, वॉन्टेड टू हैव, ओके, तो हम इसके कंटिन्यूस पढ़ेंगे। चलो बता देखते हैं, फिर नेगेटिव देखो, नेगेटिव नेगेटिव आपको ध्यान से देखना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वॉन्ट टू, देखो अब वॉन्टेड नहीं आएगा, ध्यान रखना अब वॉन्टेड नहीं आएगा, अब क्या नहीं आएगा, अब अपने पास वॉन्ट टू आएगा, ओके, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो भाई अपनी मुलाकात वॉन्टेड की अपनी सब अफर्मेटिव में थी, बाकी अपनी मुलाकात सब में वॉन्ट टू के रूप में होगी, लेकिन आगे डिड होगा, ओके, तो हम इंटरोगेटिव लगा देते हैं, थकान से की हो रहा है, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू, वॉन्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ओके, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ओके। फिर देखो नेक्स्ट वाला, देखो डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ओके, प्लस वॉन्ट आएगा, प्लस टू आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ज़्यादातर क्या रहता है, स्ट्रक्चर है जो जो मतलब फ्रेम रहता है, स्ट्रक्चर का फ्रेम वो सेम है, आपने अगर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा स्ट्रक्चर जो फ्रेम है वो सेम है, बस वर्ड बस चेंज है, वही तो इंग्लिश की कहानी है, ओके, उसी में तो कन्फ्यूज जाते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू, क्या आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ओके, ओ डब्ल्यू आगा। ऐसे नेक्स्ट वाला बना लो, नेक्स्ट वाला डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, हमेशा नॉट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, प्लस वॉन्ट टू, ओके, वॉन्ट प्लस टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। देखो मैं एक चीज़ बता दूँ, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कैसा कि वॉन्ट टू वॉन्टेड टू से बनेगा, तो आप बहुत ध्यान से देखना, देखो इससे डिफरेंस क्या है कि अपने डिड लगा दिए, मतलब फास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है, बहुत सीधी बात है, तो अगर हम डिड आ गया प्लस वॉन्ट टू आ गया तो आप कन्फ्यूज नहीं होना सेंटेंस किसका है, क्योंकि हम ऐसी भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस बोलेंगे आपको हिंदी में बताना पड़ेगा, ऐसे अपन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको आप रटो ना, आपको क्या कन्फ्यूजन ना रहे, सिर्फ सीधे सीधे आपकी सीधी बात है कि आपको इंस्टेंटली समझ में आए, ओके। तो लगभग सेम अपने पास बहुत सारी जगह बच गई, थोड़ी सी हमने कंजूसी कर ली जगह की, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम सेंटेंस बनाना हम स्टार्ट करते हैं, ओके। तो दौड़ना चाहा वाला हम बनाते हैं, दौड़ना चाहा वाला, ओके ओके, दौड़ना चाहा, तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, मैं फर्स्ट बाकी एक लिखता हूँ, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, हाँ पहला एक बनाऊंगा, बाकी अपन प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे, ओके। तो उसने दौड़ना चाहा, क्या किसने चाहा, उसने दौड़ना चाहा, उसने दौड़ना चाहा, ओके भाई चाहा होगा तो क्या आएगा, ही के बाद वॉन्टेड, ही वॉन्टेड टू रन, बस इतना सेंटेंस बनेगा, ओके, ही वॉन्टेड टू रन, उसने दौड़ना नहीं चाहा, उसने दौड़ना नहीं चाहा, या पेन मिस्टेक कर रहा है, ओके एक मिनट, ब्लू से लगता है, उसने दौड़ना नहीं चाहा, उसने दौड़ना नहीं चाहा, तो क्या आएगा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू, अरे यार प्लस लगा रहा हूँ, ही डिड नॉट वॉन्ट टू, ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन, स्ट्रक्चर लिखते लिखते प्लस लगाने के प्लस प्लस जो लगाते हैं ना, प्लस लगाने की आदत हो गई, ओके। फिर बनाओ, क्या उसने दौड़ना चाहा, क्या उसने दौड़ना चाहा, क्या उसने दौड़ना चाहा, माइंड भी क्या चीज़ है यार, ओके, डिड ही वॉन्ट टू रन, क्या उसने दौड़ना नहीं चाहा, क्या उसने दौड़ना नहीं चाहा, क्या उसने दौड़ना नहीं चाहा, ओके, तो क्या आएगा, डिड ही नॉट वॉन्ट टू रन, अब इसमें वॉन्ट प्लस टू लगने वाले था, ओके, उसने दौड़ना कब चाहा, दिमाग के ताले खोल कर पढ़ाना पड़ता है, कब चाहा, तो क्या आएगा, व्हेन डिड ही वॉन्ट टू रन, उसने दौड़ना कब नहीं चाहा, ओके, कब नहीं चाहा, तो व्हेन डिड ही नॉट
वॉन्ट टू रन, वेन डिड ही नॉट वॉन्ट टू रन। ओके, हम क्वेश्चन वर्ड लगाना थोड़ा सा भूल जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं और बहुत आसान है सेंटेंस बनाना, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आप सेंटेंस बनाना बन जाओगे, और अगर वीडियो पे आप रेगुलर हो ओके तो आपको सेंटेंस बनाना आई थिंक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ अगर फर्स्ट और सेकंड अगर आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना, तो 6 स्ट्रक्चर आप खुद सेल्फ बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये कमाल लर्निंग का है, ये अपना रटवाने का काम नहीं है सेंटेंस का। हम रटवा दें कि आप ये बोलो फिर ये बोलो फिर यू यू यू, ऐसा नहीं, आपको सिखाना है। अगर आप सीखने आए हो तो आप बिल्कुल सीखोगे। ओके, सेंटेंस आप बनाना सीखेंगे तो अपन प्रैक्टिस करते हैं। हमने पढ़ना चाहा तो वी वॉन्टेड टू स्टडी, हमने पढ़ना नहीं चाहा, वी डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। क्या हमने पढ़ना चाहा, डिड वी वॉन्ट टू स्टडी। क्या हमने पढ़ना नहीं चाहा, डिड वी नॉट वॉन्ट टू स्टडी। हमने पढ़ना क्यों चाहा, वाई डिड वी वॉन्ट टू स्टडी। हमने पढ़ना क्यों नहीं चाहा, वाई डिड वी नॉट वॉन्ट टू स्टडी। ऐसा हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आप ऐसे ही सेंटेंस बोल सकते हैं, तो मज़ा आएगा। ओके, मज़ा आता है। हम दौड़ना चाहते थे, हम दौड़ना डबल डबल वर्ब होगी, हम दौड़ना चाहते, चलो इसको दौड़ना हम घृणा कर देते हैं, घृणा आपने बढ़ पड़ा था ना, हम घृणा करना चाहते थे, इसको भूल जाओ, हम घृणा करना चाहते थे, क्या ना, तो वी वॉन्टेड टू अबोर, हम घृणा नहीं करना चाहते थे। वी डिड नॉट वॉन्ट टू अबोर, क्या हम घृणा करना चाहते थे, डिड वी वॉन्ट टू अबोर, क्या हम घृणा नहीं करना चाहते थे, डिड वी नॉट वॉन्ट टू अबोर, हम घृणा करना क्यों चाहते थे, वाई डिड वी वॉन्ट टू अबोर, हम घृणा करना क्यों नहीं चाहते थे, वाई डिड वी नॉट वॉन्ट टू अबोर। वह लिखना चाहती थी, वह लिखना चाहती थी, क्या चाहती थी, लिखना चाहती थी, क्या है, शी वॉन्टेड टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट, वह लिखना नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू राइट, क्या वह लिखना चाहती थी, डिड सी वॉन्ट टू राइट, क्या वह लिखना नहीं चाहती थी, डिड सी नॉट वॉन्ट टू राइट, वह क्या लिखना चाहती, क्या लिखना चाहती, क्या बीच में आया ध्यान, वह क्या लिखना चाहती थी, वॉट डिड सी वॉन्ट टू राइट, वह क्या लिखना नहीं चाहती थी, वॉट डिड सी नॉट वॉन्ट टू राइट। आप ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल आसानी से, नेता वादा करना चाहते थे, नहीं तो वादा उनको काम ही वादा करना तो करना चाहते थे, हो सकता कोई भूल गया, तो नेता वादा करना चाहते थे, नेता वॉन्टेड टू प्रोमिस, नेता वादा करना नहीं चाहते थे, सॉरी लीडर डिड नॉट वॉन्ट टू प्रोमिस, नेता बोल दिया सॉरी, क्या नेता वादा करना चाहते थे, डिड लीडर वॉन्ट टू प्रोमिस, क्या नेता वादा करना नहीं चाहते थे, डिड लीडर नॉट वॉन्ट टू प्रोमिस। नेता वादा करना कैसे चाहते थे या कब चाहते थे, तो वेन डिड लीडर वॉन्ट टू प्रोमिस, नेता वादा करना कब नहीं चाहते थे, वेन डिड लीडर नॉट वॉन्ट टू प्रोमिस। ओके, बीच में शायद मैंने नेता बोल दिया, मैं कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी, ओके मुझसे जवान फैसल जाती है, अब नया नया टीचर है ऑनलाइन में तो हो जाता है थोड़ा सा, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये तो लर्निंग है, आपको प्रैक्टिस करना है, सीधी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अच्छी से तो आपको सेंटेंस बनाना आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई कंसीडर डेट योर रीडिंग विल इम्प्रूव, योर स्पीकिंग विल इम्प्रूव, क्योंकि स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा ये मुझे वॉन्ट टू हैव ये बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है जो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं खुद करता हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इम्प्रेसाइज सा लगता है, थोड़ा मस्त मज़ा सा आता है इसमें इनके यूज़ करने में। तो ये आपकी क्लास थी, आपकी क्लास कैसी लगी प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो आप अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।